इंडेक्स अब करीब 30 पॉइंट्स ऊपर 9344 के लेवल्स पर है. जिन स्टॉक्स की नेगेटिव ओपनिंग हो सकती है उसमें बॉश है, इंडिया बुल्स हाउसिंग है, एसीसी करीब आधा परसेंट नीचे है, सन फार्मा फ्लैट लेकिन बायस नेगेटिव, सिप्ला एक और स्टॉक जो कि बिल्कुल फ्लैट ओपन हो सकता है. वहीं जहां पर स्ट्रेंथ दिख सकती है उसमें कोल इंडिया सबसे ज्यादा बढ़ने वाला शेयर अभी इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी 50 से 1% ऊपर है. भारतीय इंफ्राटेल में अच्छा मूव है, एचडीएफसी बैंक करीब 1% ऊपर है. एक ओएनजीसी पर ध्यान दें, दो सेशंस में ऑलरेडी 7-8% चला है और आज भी 1% ऊपर ये इंडिकेटिव एक्शन में है. विप्रो, डॉक्टर रेड्डीज, ग्रासिम, एनटीपीसी, बीपीसी लिए कुछ और शेयर्स जो कि आधा परसेंट तक की स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं. वहीं कैश के कुछ स्टॉक्स देखें जहां पर वॉल्यूम शुरुआती ठीक ठाक है या फिर जहां पर अच्छी ओपनिंग हो सकती है उसमें कमन्स इंडेक्स की ऑलरेडी हमने बातचीत की. एक देखिए जेएम फाइनेंशियल को, ये 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है 122 के लेवल्स पर. साथ ही शेरन बायो, हालांकि बहुत छोटा स्टॉक है लेकिन इस स्टॉक में अभी मूव अच्छा खासा देखा जा रहा है. पेपर स्टॉक्स में कल अच्छी खरीदारी थी, चुनिंदा शेयर्स आज भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं. एक मैरिको को देखिए, नंबर्स अच्छे रहे हैं, वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से बेटर रही है, इसीलिए स्टॉक करीब 3% ऊपर 328 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है. और हरी थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि इन लेवल से भी अपसाइड स्टॉक में आ सकता है पोस्ट अर्निंग्स. अभी 328 के लेवल्स देखे जा रहे हैं मैरिको में. कुछ और मूवर्स देखें जहां पर बाइंग है उसमें एक ट्राइगन टेक्नोलॉजीज है, ये भी 3% ऊपर 125 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है. गिनी फिलामेंट एक स्टॉक है, आमतौर पर वॉल्यूम कम होते हैं लेकिन आज वॉल्यूम ज्यादा है स्टॉक में और 46 के लेवल्स पर ये शेयर भी है. बिल्कुल, चलिए इस बीच मार्केट खुलने वाला है, एक बार जो नेगेटिव स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं. निफ्टी में जहां पर प्रेशर है इसमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ये थोड़ा लाल निशान में है, साथ ही बॉश, एसीसी, सन फार्मा ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान देखने को मिल सकता है. सिप्ला नेगेटिव बायस के साथ ओपन हो सकता है, लेकिन देखना होगा कि हाउसिंग फाइनेंस में अगर सॉफ्ट थोड़ी ओपनिंग होती है तो क्या खरीदारी होती है, क्योंकि कल हमने देखा था क्लोजिंग में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स पर. तो आज अगर ये ब्रीदर लेते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर सिलेक्टिव बाइंग कुछ एक स्टॉक्स में देखने को मिले. एंड इन दैट केस देखना होगा कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस किस तरह से बिहेव करता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट आउट परफॉर्मर रहा है इस पूरे स्पेस में. लेकिन कल ऑब्वियसली स्पेस को लीड कर रहा था एचडीएफसी लिमिटेड, जिसने हैवी वेट होने के बावजूद एक अच्छा मूव कर दिया था. ओपनिंग इसी लाइन पर एक्सपेक्टेड है, 9340 9350 के बीच की ओपनिंग हो सकती है और वहीं पर हुई भी है. 9343 के लेवल पर निफ्टी ओपन हुआ है, तो करीब 28-30 अंकों की मजबूती ओपनिंग में देखने को मिली है निफ्टी पर और यही एक्सपेक्टेड था भी. लेकिन क्या होल्ड करेगा 9350 के पास, फिर से एक बार कल की तरह स्ट्रगल करेगा ये देखना होगा. दैट्स द लाइकली सिनारियो कि इन लेवल्स के आसपास थोड़ा ये स्ट्रगल करे. अब जो गेनर्स हैं वो आप देखिए स्क्रीन पर, भारती इंफ्रा, टाटा मोटर्स, डीवीआर, हीरो मोटोकॉर्प, अरविंदो फार्मा, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर मूव अच्छा देखने को मिल रहा है, मजबूती देखने को मिल रही है. साथ ही ग्रासिम, कोल इंडिया, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डीज, ये काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है. नुकसान वाले काउंटर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस सबसे ऊपर है, आईटीसी करीब 0.5% नीचे है, मारुति सुजुकी आज थोड़ा सा लाल निशान में 6691 का लेवल, टाटा पावर ये और एक काउंटर है जहां पर लाल निशान देखने को मिल रहा है. बाकी काउंटर्स जहां पर आज मजबूती देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स में, उन्हें एक बार देख लेते हैं. मिड कैप के जो गेनर्स हैं, कल भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम था मिड कैप में. यूनाइटेड ब्रूरीज 4.25% ऊपर ओपनिंग में है, GSPL है, स्पार्क, DCB बैंक, IRB इंफ्रा, ये कुछ काउंटर्स हैं जिस पर अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, फॉलोड बाय एम्फेसिस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस और DCB बैंक, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी मजबूती है. नुकसान वाले स्टॉक्स में देखिए, फार्मा स्टॉक्स में टॉरेंट है, सनोफी है, यहाँ पर नुकसान है. RBL, बायोकॉन 1% नीचे ट्रेड कर रहा है, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर लाल निशान देखने को मिल रहा है. कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स देख लेते हैं जहां पर ओपनिंग अच्छी एक्सपेक्टेड थी, हालांकि ये कैश के गेनर्स हैं. कमेंस जिस पर ऑलरेडी हमने बातचीत की भी थी 4.5% ऊपर खुला है. जीएम फाइनेंशियल वॉल्यूम्स अच्छे हैं 4% ऊपर. गोदरेज ग्रुप के स्टॉक्स कल मार्केट बंद होने से ठीक पहले अच्छा मूव दे रहे थे, आज अच्छी ओपनिंग हुई गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की. आज पॉजिटिव न्यूज फ्लो भी है कुछ नए बुकिंग्स को लेकर, मुंबई में जो प्रोजेक्ट हाल ही में लॉन्च किया था. यूनाइटेड ब्रिवरीज में एक अच्छी खरीदारी देखी जा रही है, अभी भी स्टॉक में करीब 3% का स्पर्ट है, इनफैक्ट 4% ऊपर अभी आ चुका है 802 के लेवल्स पर. आप कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स देखते हैं, एक तो देख लेते हैं पूरा ही एविएशन स्पेस, एक देख लेते हैं टायर स्पेस. यहाँ पर शुरुआत अच्छी एक्सपेक्टेड थी और अगर अभी एविएशन को देखें तो जेट एवेज करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, इंडिगो में 0.5% का मूव है, अच्छी मजबूती है स्पाइस जेट में जो करीब करीब अब 2% ऊपर 114 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है. टायर स्टॉक्स में कल एक अच्छी खरीदारी दिखी थी, आज भी स्पेस की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव बायस के साथ ही हुई है. अपोलो टायर्स करीब 0.5% ऊपर है, सीएट बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है, एमआरएफ में करीब 0.5 से 0.25% तक की मजबूती अभी शुरुआत में देखी जा रही है. जेके टायर करीब 0.25% ऊपर ट्रेड
ट्रेड कर रहा है। गुडियर टायर भी फ्लैट विद अ पॉजिटिव बायस के साथ ओपन हुआ है। ये बार टीवीएस मोटर्स को देखते हैं ना, जो सेल्स नंबर्स आए हैं वो ठीक ठाक रहे, 8% के आसपास की ग्रोथ दिखी है ओवरऑल सेल्स नंबर्स में। 1.5% ऊपर ये स्टॉक 502-503 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ONGC यहाँ शुरुआत देखते हैं, क्योंकि स्पेशली ONGC जो कि लगातार पिछले दो सेशंस में अच्छी मजबूती लेकर क्लोज हुआ है, अभी भी करीब 0.5% ऊपर 193 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं है, इतना जरूर कह सकते हैं कि जो शुरुआत है वो पॉजिटिव सेंस के साथ हुई है। और तीनों ही स्टॉक्स HPCL, BPCL और IOC करीब करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अभी। लेकिन कैश के कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर शुरुआत में वॉल्यूम्स अच्छे हैं, उसमें एक मैकडॉल होल्डिंग्स को देखिए, अभी ये स्टॉक करीब 14% ऊपर आ चुका है। यूनाइटेड ब्रिवरीज की भी हमने बात की थी, अब देखिए मैकडॉल होल्डिंग्स को, यहाँ पर 14% का स्ट्रेंथ है और 42 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यूनाइटेड ब्रिवरीज होल्डिंग में अब करीब 10% का उछाल है। एक बार यूनाइटेड ब्रिवरीज होल्डिंग को फिर से देख लेते हैं, और इनफैक्ट यहाँ पर खबर भी है कि हेनेकन विजय माल्या का जो स्टेक है कंपनी में वो एक्वायर कर सकती है। अभी करीब 5% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। कुछ और मूवर्स देखें कैश सेगमेंट के ही, उसमें एक डॉलर इंडस्ट्रीज को देखिए, ये भी लगातार चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, लिस्टिंग के बाद से ही 3% ऊपर 1700 के लेवल्स पर है। एक ADF फूड्स, इसके नतीजे आने हैं आज, और नतीजों से पहले एक जोरदार मजबूती स्टॉक में देखी जा रही है, वो भी वॉल्यूम्स के साथ 7% ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है ADF फूड्स। यूनाइटेड ब्रिवरीज की हमने बात की, एक UB होल्डिंग को देखें, वहाँ 10% का मूव है। तो पूरे ही कह सकते हैं कि UB ग्रुप के स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती ओपनिंग के बाद देखी जा रही है। कुछ और शेयर्स, उसमें चुनिंदा पेपर स्टॉक्स है, एक सॉलिड टेक्नोलॉजीज देखिए, ये भी एक कैंडिडेट है जो अपने इन्वेट को लाने की प्लानिंग कर रहा है, और स्टॉक अब करीब 4% ऊपर है। शुरुआती वॉल्यूम्स भी स्ट्रॉन्ग है और 161 के लेवल्स पर आ चुका है। चुनिंदा राइस शेयर्स भी हैं जहां पर अच्छी मजबूती देखी जा रही है। LT फूड्स को देखिए जहां पर 3.5% का उछाल है और 6690 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज की ऑलरेडी हमने बातचीत की थी, यहां भी अच्छा खासा मूव अभी देखा जा रहा है। बिल्कुल, एक बार निफ्टी बैंक को देख लेते हैं। आज के लिए निफ्टी बैंक का बिहेवियर और लेवल्स दोनों ही क्रिटिकल होंगे। 37 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी बैंक है, 22,382 का लेवल निफ्टी बैंक पर देखने को मिल रहा है। ICICI बैंक ऑब्वियसली थोड़ा रेंज में रहेगा आज। बजाज ऑटो को एक बार देखिए, ये 1.5% ऊपर है। अप्रैल के जो इनके बिक्री के आंकड़े हैं वो आए हैं। मोटरसाइकिल्स की बिक्री रही है 2,93,000 यूनिट्स की बजाज ऑटो के लिए, और ओवरऑल जो बिक्री है व्हीकल्स की वो 3,29,000 यूनिट्स की रही है। ओपनिंग जिस तरह की हुई है, राकेश क्या कहेंगे ओपनिंग? देखिए मीर, एक पॉजिटिव ओपनिंग है, हालांकि ऊपरी लेवल से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, बट मार्केट्स क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है। 9300 के ऊपर टिका हुआ है। अगर किसी कारण से, मेरा ऐसा मानना है मीर, कोई डिक्लाइन आता है जो कि रूल आउट नहीं किया जा सकता है टूवर्ड्स 9250-9240, तो वो एक अच्छे स्तर होंगे मुझे लगता है बाइंग करने के लिए। मार्केट में ओवरवेट होके चलना चाहिए, पेंट स्टॉक, टायर स्टॉक सब अच्छे लग रहे हैं, और बैंकिंग में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। कोई भी करेक्शन आती है बैंकिंग के अंदर तो वहां भी बाइंग करनी चाहिए। हरी, ये यूबी ग्रुप के स्टॉक्स में जो मूव दिख रहा है, इसके बाद क्या सलाह आप देंगे, या फिर सिर्फ एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस मूव को आप देखते हैं, क्योंकि मैकडॉल होल्डिंग, यूबी होल्डिंग, यूनाइटेड ब्रिवरीज तीनों में वॉल्यूम्स के साथ सर्ज है? नहीं, आई थिंक प्योरली एज ए ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं। मैं तो कोई लॉन्ग टर्म व्यू ये ग्रुप में लेता नहीं हूँ, क्योंकि आई थिंक इवन दो इसका ओनरशिप है शिफ्टेड डियाजियो, इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, लीगल केसेस है, अभी एक्सटेडिशन की बात हो रही है, तो मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कोई लॉन्ग टर्म व्यू लेने लायक है। हाँ, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड डेफिनेटली एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, बट मैं कभी भी इस ग्रुप में लॉन्ग टर्म व्यू नहीं लेता हूँ। तो यहाँ पर सलाह दी है हरी ने, लेकिन इन तीनों ही शेयर्स में अच्छा मूव अभी शुरुआत के बाद देखा जा रहा है। भारती इन्फ्राटेल को देखिए, खुला तो ये पॉजिटिव था और अब मजबूती और एक्सटेंड हुई है। स्टॉक करीब 2% ऊपर अभी आ चुका है 361 के लेवल्स पर। दो तीन दिनों से लगातार चल रहा है भारती इन्फ्राटेल भी समेत, क्या टारगेट्स हैं यहाँ पर आपके? देखिए, भारतीय इंफ्राटेल की बात करें तो दो तीन वीक पहले हमने एक स्ट्रॉन्ग सर्च देखी थी 300-305 के लेवल से, उसके बाद हालांकि स्टॉक थोड़ा कंसर्ट हुआ है, तो इसकी एक ब्रॉड रेंज अभी बन चुकी है 330-335 लोअर साइड पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ऊपर की तरफ 375-380 एक रेजिस्टेंस है। ये स्टॉक के लिए अभी 375 का स्तर क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वैसा होता है तो इसके जो वीकली चार्ट्स है वो और स्ट्रॉन्ग हो गए, और फिर ये स्टॉक 390-395 के आसपास जा सकता है। तो फिलहाल हमारी इसमें स्ट्रेटेजी यही होगी, अगर ये लोअर एंड के आसपास आता है अराउंड 340-45 वहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, या फिर 375 क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये ब्रेक कर पाता है तो वहाँ पे 400 के लिए, लक्ष्य के लिए यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल एक बार देख लेते हैं ब्रेथ मार्केट की कैसी है। आज खुलने के बाद मार्केट में
जो रुझान देखने को मिल रहा है, एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखें, बढ़ने वाले काउंटर्स एनएसई पर 925 के आसपास हैं, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 354 के आसपास देखने को मिल रही है। उधर अगर हम बीएससी को देखें, 974 काउंटर्स हैं जो बढ़त के साथ चल रहे हैं, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 380 के आसपास देखने को मिल रही है। हरी, इस ब्रॉडर मार्केट में एक जो टिपिकल आई थिंक चैलेंज ट्रेडर्स फेस कर रहे होंगे वो यही है कि आप मिड कैप को देखिए या फिर स्मॉल कैप को देखिए, डेली वहाँ पर कोई ना कोई काउंटर्स चलना शुरू होते हैं। जैसे कल हमने देखा टुवर्ड्स क्लोजिंग हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में इवन इन मिड कैप काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। फिर जैसे हमने बात की फेडरल बैंक, इस तरह के काउंटर्स हैं जो कॉन्स्टेंट आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एट सम पॉइंट दे विल स्टार्ट टेपरिंग ऑफ। अब वो टाइमिंग कोई कर नहीं पाएगा, तो सेफ स्ट्रैटेजी इस समय क्या होनी चाहिए मिड कैप गेनर्स में? नहीं, मुझे लगता है जो हम देख रहे हैं दैट्स अ काइंड ऑफ अ सेक्टर रोटेशन जो बहुत कॉमन है मिड कैप में। जैसे आपने कहा हाउसिंग फाइनेंस चल रहा था, आज देखिए आई थिंक फूड कंपनीज चल रहे हैं, एलटी फूड्स हो, दावत हो, या एडीएफ फूड्स, सारे फूड कंपनीज चल रहे हैं। तो ये एक बहुत टिपिकल फीचर होता है मिड कैप का, और ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। देखिए, मैं मानता हूँ कि ब्रॉडली इफ़ यू आर इन क्वालिटी मिड कैप्स, आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक मिड कैप्स मेरे ख्याल से विल कंटिन्यू आउट परफॉर्म ओवर द नेक्स्ट 2 or 3 ईयर्स ऑल्सो। जी हरी, इनफैक्ट ये बजाज ऑटो के सेल्स नंबर्स भी आपने देखे होंगे और हीरो मोटो के भी, सेल्स डेफिनेटली डिप हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक्स ने वैसे रिएक्ट नहीं किया। क्या इस तरह के नंबर्स एक्सपेक्टेड थे, इसीलिए स्टॉक्स पॉजिटिव रहे हैं? देखिए, जो हमें समझ में आया इन लोगों से बात करके वो ये है कि दिस लास्ट मंथ जो अप्रैल था, अप्रैल शायद वो लास्ट मंथ ऑफ द डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट, तो अप्रैल के बाद इम्पैक्ट चला जाएगा और जब मई के नंबर्स आएंगे तो माना जाता है कि द ग्रोथ विल वंस अगेन स्टार्ट फॉर द टू व्हीलर्स। और ये टू व्हीलर्स का इम्पैक्ट और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था डिमोनेटाइजेशन से, क्योंकि रूरल और सेमी अर्बन डिमांड था। तो आई थिंक दैट इज टर्न अराउंड, और यहाँ से खास करके बजाज के लिए तो आई थिंक एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ है, तो बजाज का तो एनीवे आई थिंक एक पॉजिटिव है। और जहाँ तक डोमेस्टिक डिमांड का सवाल है, आई थिंक मई से भी एक्सपेक्ट टर्न अराउंड इन टू व्हीलर डिमांड। बिल्कुल, इस बीच चलिए कैश में देख लेते हैं कुछ और हैवी मूवर्स जो हैं उन पर नज़र डालते हैं, वहाँ पर किस तरह का रुझान है। आज देखिए, एक तो यूबी ग्रुप में हमने देखा कि रुझान अच्छा देखने को मिला, यूनाइटेड ब्रूरीज पर देखा हमने अच्छा रुझान है, मैकडोवेल्स ये करीब 12% ऊपर है, यूबी होल्डिंग्स ये भी करीब 10% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। और एक आउट परफॉर्मर जो कल के मूव को एक्सटेंड कर रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, 5.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है इस समय। तो ये कुछ काउंटर्स हैं, ये जो यूबी ग्रुप के स्टॉक्स हैं राकेश, इसमें आपके टॉप पिक क्या है? देखिए मीर, इस स्पेस के अंदर अगर आप देखें तो टेक्निकली ट्रेडिंग के नज़रिए से पैटर्न नहीं है, हालांकि एक स्टॉक बीटन डाउन स्टॉक्स हैं और एक पुल बैक रैली देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग के नज़रिए से तो बिल्कुल कंफर्ट नहीं आता है कि यहाँ पर बाइंग की जाए, बट अगर पुल बैक के नज़रिए से खेलना हो तो यूनाइटेड ब्रिवरीज एक स्टॉक है जहां मुझे लगता है कि एंटायर यूबी ग्रुप में सबसे ज्यादा जो रैली है यहां देखने को मिल सकती है। राकेश, ट्रेडिंग के नजरिए से पावर ग्रिड कैसा लग रहा है आपको? 2.5-3% ऊपर आ चुका है अब। दिवाली ट्रेडिंग के नजरिए से पावर ग्रिड का टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है। इनफैक्ट आज के सत्र में ओपनिंग के अंदर शुरू के 10 मिनट के अंदर ना सिर्फ 2.5% ऊपर आया है बल्कि 209 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। और ये रैली मुझे लगता है यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है, अनदर 4 रुपीज, 215-216 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अब दिन के ऊपर स्तरों पर पावर ग्रिड आ चुका है और REC फ्लैट है लेकिन बायस पॉजिटिव है, 163.90 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। कुछ और स्टॉक्स देखे, उसमें एक भारती इंफ्राटेल की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, अरविंद में ठीक ठाक मूव है, ये स्टॉक भी 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सीएट अब यहाँ पर बाइंग एक्सटेंड हुई है और स्टॉक करीब 1.25% ऊपर आ चुका है 1616 के लेवल्स पर। एक बार HDL को देख लेते हैं, कल ये स्टॉक ओपनिंग पॉजिटिव हुई थी लेकिन उसके बाद नेगेटिव जोन में जाकर क्लोज हुआ था, अब इंट्राडे लोस से रिकवर कर रहा है, दिन के ऊपर स्तर आ चुका है लेकिन बायस अभी भी नेगेटिव है। कल दरअसल मैनेजमेंट की ओर से कमेंट्री भी आई थी कि रेरा के लागू होने के बाद जो नए लॉन्चेस हैं वो स्लो डाउन होंगे और 3 से 6 महीने थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं, इसीलिए स्टॉक थोड़ा कमजोर हुआ भी था लेकिन अभी रिकवरी दिख रही है। ये रियल्टी स्पेस से कोई स्टॉक आप पिक करेंगे ट्रेडिंग के लिए समीत? HDL क्योंकि रिकवर कर रहा है, DLF इंट्राडे हाइस पर आ चुका है, 1.5% ऊपर है, गोदरेज प्रॉपर्टीज में ऑलरेडी एक अच्छा मूव देखा जा रहा है। देखिए, इसमें अभी यहाँ पर ट्रेडिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्योंकि स्टॉक्स में अच्छी खासी रैली आ चुकी है और उसके बाद ये थोड़े कंसोलिडेट हो रहे हैं। DLF और HDL डेफिनेटली हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। DLF की बात करें तो इसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक
अराउंड 160-165 और वहाँ से हमने एक कंटिन्यूशन ऑफ दी नो अपवर्ड मोमेंटम देखा था। बट ये स्टॉक में 175-170 के अगर लेवल दिखते हैं डीएलएफ में तो वो अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी और ये स्टॉक दमखम रखता है कि बहुत जल्दी ये 200 का लेवल क्रॉस कर जाए। सो हम डीएलएफ में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मेंटेन करेंगे और एसडीएल में भी सिमिलर होगा, 84-80 के अगर लेवल आते हैं तो वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, इनफैक्ट राकेश ये पूरा ही रियल्टी स्पेस उन चुनिंदा पॉकेट्स में से है जो कि ओपनिंग के बाद सर्च कर रहे हैं। ओबरा रियलिटी एक और स्टॉक है, इंडेक्स को ही आप देख लीजिए, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को 1.5% से ज्यादा की स्ट्रेंथ के साथ दिन के ऊपर स्तर पर, आपको पिक कर रहे हैं ट्रेडिंग से? देखिए काफ़ी अच्छा लगता है, अगर सिर्फ ट्रेडिंग का नजरिया है स्टॉप लॉस लगा के चीज़ लेने का मतलब है तो डीएलएफ को मेरे को लगता है पिक करना चाहिए जो कि एफएनओ के अंदर भी अवेलेबल है और यहाँ मुझे लगता है दीपाली 199-200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। जी अभी हम पावर ग्रिड की बात कर रहे थे, अभी स्टॉक 3% ऊपर आ चुका है। ONGC को एक बार फिर से देखिए, इनफैक्ट पूरे ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को और ONGC को देख लेते हैं। IOC अब करीब 1.25% ऊपर, ये सभी शेयर्स भी अब दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच कर रहे हैं। ONGC में 1.5% का मूव है, IOC भी इसी क्वांटम की बढ़त के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। HPCL BPCL में भी जो मजबूती है वो एक्सटेंड हुई है, BPCL आप देखें करीब 1.25% ऊपर आ चुका है। ये हरी आप कोई स्टॉक पिक करेंगे OMCs में से या फिर ONGC, जैसे स्पेशली जिस तरह का मूव दिया है और जिस तरह की मैनेजमेंट की कॉमेंट्री आ रही है क्रूड प्रोडक्शन और गैस प्रोडक्शन टारगेट्स को लेकर उसके बाद? नहीं, मैं अपस्ट्रीम पे थोड़ा कॉशियस हूँ, सो मैं ONGC या OIL रेकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि दो चीज़ें हैं। एक तो आई थिंक ऑयल प्राइसेस आर लाइकली टू रिमेन वीक, आई थिंक $50-52 से मैक्सिमम मुझे कोई अपसेट नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी बात है ONGC का अगले 4-5 सालों में आई थिंक कुछ $8-9 billion का इन्वेस्टमेंट है तो ये इन्वेस्टमेंट में ROI लाना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरा तो प्रेफरेंस फिलहाल डाउनस्ट्रीम में रहेगा और मेरा टॉप पिक विल बी IOC विद इन द रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग स्पेस। बिल्कुल समित, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस।